देश है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये जो है लोकतंत्र की जननी है, जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूँ आपके साथ अनु मिश्रा। वैशाली, जिसका इतिहास महाभारत काल से ही पता चलता है, भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही यह धरती, जहाँ से विश्व भर में गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम हुआ था। आज उसी जिले के विधानसभा विधायक सिद्धार्थ पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे वैशाली जिले के महत्व, इतिहास से लेकर चर्चा करेंगे राजनीतिक गलियारे तक की। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका लोक आवाज की ओर से। कहते हैं वैशाली के बिना बिहार का इतिहास अधूरा है, पूरे विश्व भर में लोकतंत्र की लालिमा यहीं से फैली थी, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप और हम सभी जानते हैं कि वैशाली से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में। अभी एक बातचीत के क्रम में बहुत सारे बड़े नेताओं का भी बयान आता है, लोग कहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र तो है ही, लेकिन साथ में लोकतंत्र का जन्मदाता भी है, यहीं से लोकतंत्र की वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है। उस साथ साथ एक और पूर्व में आपने कहा है कि वैशाली बुद्ध और महावीर की धरती है, बुद्ध की कर्मभूमि है और भगवान महावीर की जन्मभूमि है। साथ ही वैशाली से ही महिलाओं को महात्मा बुद्ध के संघ में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन वैशाली से ही महिलाओं का प्रवेश संघ में शुरू हुआ। तो वैशाली ऐसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने वैशाली के विकास के लिए क्या किया है अब तक और आगे उनका क्या रोड मैप है? मैं आपको बता दूं कि वैशाली में उत्खनन के क्रम में सरकार जो वहां पर उत्खनन हो रहा था, तो एक वहां से बुद्ध का स्तूप निकला था जिसको प्रमाणिक तौर पर वही सही है ऐसा जांच के क्रम में आया, और वो बुद्ध का अस्थि कलश रखा हुआ है पटना के म्यूजियम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी 300-400 करोड़ की योजनाओं के साथ वहाँ वैशाली में एक बुद्ध शांति स्तूप सम्यक दर्शन पार्क का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना के और उसके अंदर बुद्ध के जो अस्थि कलश हैं उनको वहाँ रखने की का विचार है, और वो काम लगभग 70-80% हो चुका है। आने वाले 6-8 महीनों में वहाँ पर जब ये स्थापित हो जाएगा बुद्ध का अस्थि कलश, तो जिस तरह से हमारे लोग विदेश के लोग और जैन धर्मावलंबी या बुद्ध के जो अनुयायी हैं महात्मा बुद्ध के, वो राजगीर, गया इत्यादि जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो वैशाली के बिना उनका वो जो देखने आते हैं वो पूरा नहीं होगा, वैशाली अवश्य आएंगे। तो उसमें जो अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वहाँ जो बन रहा है, एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण जो बात शुरू में कही थी, वहाँ एक अभिषेक पुष्करणी है, उस पुष्करणी का इतना महत्व था कि वहाँ जो राजा चुन के जो राजा बनते थे लोकतांत्रिक तरीके से, तो उनका राजाभिषेक होने से पहले उस पवित्र जल से उनको स्नान कराया जाता था। तो एक बड़ा सा अभिषेक पुष्करणी है, तो उसमें पिछले दिनों बारिश कम होने से या अत्यधिक बारिश होने से जो दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए अब वहाँ पर ड्रेनेज का एक समुचित व्यवस्था किया गया है। जो बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क बन रहा है वैशाली में, वहाँ पर एक जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं उनके रहने की व्यवस्था, म्यूजियम, और साथ में वो वहाँ पर ध्यान लगा सकें, इसकी भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। सर, पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बिहार में राजगीर और नालंदा का खासा महत्व है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो आपके दृष्टिकोण से क्या वैशाली भी ऐसा विकसित होना चाहिए पर्यटन के दृष्टिकोण से? वैशाली विकसित अभी जो बिहार सरकार ने जो काम शुरू कर रखा है, ये पूर्ण होने के बाद काफ़ी विकास होगा वैशाली में पर्यटन, या वैशाली में और भी धार्मिक और पौराणिक महत्व की और काफ़ी चीज़ें हैं। बुद्ध महावीर का जन्म स्थल है वहाँ पे, एक चौमुखी महादेव मंदिर है जो उत्खनन के दौरान वो बड़ा सा शिवलिंग प्रकट हुआ था, और फिर अशोक स्तंभ है,
तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि उसको बाहर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर्यटन के लिए उसमें कुछ काम करेंगे आगे? बिल्कुल बिल्कुल, काम चल रहा है अभी। मैं यहाँ से तो आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन कभी आप जब वैशाली विजिट करें मैं आपके साथ वहाँ पर उन सारी जगहों को आपको दिखलाने का काम करूँगा जो वैशाली कितना महत्वपूर्ण है पर्यटन के दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से। आप अपने वैशाली विधानसभा में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं जहां आप जनता की समस्याओं को सुनते हैं, तो जन समस्याओं के निवारण के लिए आप कितना तत्पर रहते हैं और क्या करते हैं? वैशाली विधानसभा में मुख्य तौर से जो हम लोग के पास जो समस्याएं आती हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, अस्पताल हैं, ये सब तो चल ही रहा है। पहले मैं क्रमवार आपको बता दूं कि जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र वैशाली में 3 प्रखंड हैं और तीनों प्रखंड में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और बिहार सरकार ने उन सभी मांगों को पूरा किया। वहाँ जो स्वास्थ्य उप केंद्र थे जो 6 बेड के होते हैं उसको उत्क्रमित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको परिणत किया गया, वो 30 बेड का हो जाएगा। और उच्च तकनीकी जो हम लोग जो एम्बुलेंस होता है जिसमें सारे जीवन रक्षक उपकरण लगे होते हैं, वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन है और भी सारे मॉनिटर और नेबुलाइजर, ये सभी से सुसज्जित एम्बुलेंस वैशाली के गोरौल प्रखंड, पटेल बेलसर प्रखंड को दिया गया है और आने वाले 1-2 हफ्ते में वैशाली प्रखंड को भी मिल जाएगा। और उसके अलावे जो समस्याएं हैं जो वैशाली में, वो मुख्य रूप से पिछले जो वर्ष 2020 और 2021 में जो बाढ़ आई थी वहाँ, वैसे तो 3 तरफ से नदियों से 3 नदियाँ गुजरती हैं, गंडक और उसके बाद वाया नदी है और झाझा नदी है। तो गंडक के किनारों पर तो सरकार ने काफ़ी मजबूती से बांध का निर्माण करा है, तिरहुत बांध है वहाँ पे, लेकिन वाया नदी के अत्यधिक जल ग्रहण करने की स्थिति में दोनों तरफ में 2 प्रखंड हमारे वैशाली और पटेली बलसर पूर्ण रूप से जल प्रभावित हो गए थे, बाढ़ प्रभावित हो गए थे। तो ये समस्या हम लोगों के बीच आई तो हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री से मैं जाके मिला तो एक उनका जो विचार था कि नदियाँ जो बाय नदी है वो काफ़ी दिनों से उसका उत्खनन नहीं हुआ है और उसका जो गाद जमा हो जाने से उसकी पेटी उथली हो गई है, तो एक लगभग 94 करोड़ का की योजना जिले से गई है स्वीकृत होके और उसको आगे जो प्रोसेस है मुझे आने वाले समय में स्वीकृत हो जाएगी योजना। उसमें होगा कि नदी की जो पेटी है, जो मिट्टी उसमें जमा है, उसको उड़ाही करके नदी के दोनों तरफ के बांधों पर रख के और बांधों को मजबूतीकरण हो तब हम लोग को बाढ़ से निजात मिल जाएगा। वैशाली जिले की अगर बात करें तो वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर वहाँ की क्या परिदृश्य है? शिक्षा के बिहार सरकार ने जो अभी हमारे यहाँ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर समय से उसका शेड्यूल भी समय से चल रहा है, 17 उसके समय से चल रहे हैं और सब भी शैक्षणिक जो है एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल है वो सब भी, मतलब शिक्षा के संबंध में जो बेसिक बातें होनी चाहिए, अभी तो हर पंचायत में उच्च विद्यालय और उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करके +2 में किया गया है, हर पंचायत में हो गया है। उसमें भवन के लिए भी बिहार सरकार ने इस पिछले दिनों जो बजट सत्र था उसमें पास किया है, तो हमारे यहाँ सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय के भवनों का निर्माण सब हो जाएगा समय पे। सर जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे राजनीतिक गलियारे से पूछूंगे कि राष्ट्रपति चुनाव का अभी पूरे देश भर में चर्चा है, अभी राजनीतिक मुद्दा सबसे ज़्यादा यही है, तो राजनीतिक चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, सॉरी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग अपने पार्टी की जो पार्टी लाइन पर हम लोग मतदान करेंगे और हम लोग NDA के जो साथी हैं उसके साथ साथ और भी बहुत सारे दलों के लोगों का समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जो NDA समर्थित प्रत्याशी हैं श्रीमती मुर्मू जी, उनके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो काफ़ी काम करके नीचे से वहाँ यहाँ तक पहुँची हैं वो, उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा है, मंत्री रही हैं उड़ीसा सरकार में, बाद में झारखंड की राज्यपाल हुई हैं, उसके पहले भी वो बहुत सारे जो सरकार के द्वारा जो समितियां होती हैं उसकी सदस्या रह चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि मुर्मू जी को हम लोग जब इस तरह से बात करते हैं कि एक
आदिवासी और महिला हैं हमारी राष्ट्रपति होंगी, उस तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये तो ठीक है, ये हैं महिला हैं और आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन साथ में उनका जो सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग को एक अच्छे आने वाले से हम लोग तो इस तरह मान रहे हैं कि वो तो राष्ट्रपति हो गई हैं, चुनाव बस एक फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, तो हम लोग एक अच्छे राष्ट्रपति हम लोग को देश को मिलने जा रहे हैं। हम लोग उनका आने वाला समय में उनको स्वागत करेंगे, उनके प्रति शुभकामना हम लोग की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने हमारी चर्चाएं हुई वैशाली जिला के विकास इतिहास, बिहार सरकार क्या काम कर रही है इस क्षेत्र में। तो बिहार के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे विकास की आवश्यकता है, जो पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकसित हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लोक आवाज पे आया, अपना विचार शेयर किया, थैंक यू सर। इस तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। लोक आवाज की आगे खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।